व्हाइट वॉश, व्हाइट वॉश, व्हाइट वॉश। कितने परसेंट चांसेस इंडिया व्हाइट वॉश कर देगा? 100% चांसेस है। देखिए शुभमन गिल एक मैच्योर प्लेयर है, आपने उसकी गेम नहीं शायद देखी, वो डबल डबल सेंचुरीज वाला प्लेयर है, जयसवाल भी डबल डबल सेंचुरीज वाला, रिंकू सिंह जो है वो कमाल की उसमें हिटिंग पावर, ऋतुराज गायकवाड़ ऐसा प्लेयर जिसने फ्रंट से CSK को लीड किया हुआ है, अभिषेक शर्मा एक ऐसा प्लेयर जिसने मतलब एग्जैक्टली, और अगर बिश्नोई की रवि बिश्नोई की बात की जाए तो बॉल के साथ उसका भी जवाब नहीं है, तो अनबिलीवेबल। बेशक जो है इंडिया का यंगेस्ट स्क्वाड है, लेकिन इसमें आपको एक से बढ़कर एक बैट्समैन बॉलर नजर आएगा, शुभमन गिल है, रिंकू सिंह है, उसके बाद जो है रियान पराग है, अभिषेक शर्मा है, बॉलर्स के अंदर खलील अहमद है, और भी बड़े बड़े बॉलर्स हैं, तो मेरे ख्याल में बेशक यंगेस्ट हैं लेकिन सारे के सारे जो है खतरनाक है। अभिषेक शर्मा को आपने देखा है कि यार मुझे तो ऐसा लगता है जैसे वो तेज तरीन कहीं सेंचुरी ना मार दे टी20 में, जैसे कि आपने देखा कि IPL में जैसे उसने तेज तरीन सेंचुरी बनाई हुई है, बड़ी तेज तरीन फास्ट इनिंग खेला हुआ है। अभिषेक शर्मा जो है वो बेस्ट ऑप्शन है जो कि रोहित शर्मा की जगह पे खेल सकता है, क्योंकि रोहित शर्मा की जो मोड है खेलने का वो अटैकिंग मोड है, ठीक है, और अभिषेक शर्मा को देखा जाए वो भी अटैकिंग मोड में खेलता है, पावर प्ले के अंदर बीस्ट मोड है उस बंदे का, 12 पे 50 13 पे 50 15 पे 50, मेरे ख्याल में ये बेस्ट ऑप्शन है कि अभिषेक शर्मा कमबैक जो है वो हार्दिक पांड्या जैसा होना चाहिए, एंड एक्चुअल में यस हार्दिक पांड्या इज वन ऑफ द पर्सन जिसको IPL में इंतहाई ज्यादा ट्रॉल किया गया, बट ही नेवर डिसीज व्हेन ही वेयर्स अ ब्लू जर्सी, जब वो इंडिया की जर्सी पहन लेता है तो वो कभी धोखा नहीं देता। स्क्वाड अनाउंस हो गया इंडिया वर्सेस जिम्बाब्वे जो कि वर्ल्ड कप के बाद T20 सीरीज है, उसका स्क्वाड इंडिया ने अनाउंस कर दिया है, और जो भी है तारीफ तो करनी बनती है क्योंकि इंडिया के पास इतने गट्स हैं कि वो छोटी टीम के अगेंस्ट छोटे प्लेयर्स को भेज देती है, डरती नहीं है। हमारी टीम आप देखिएगा जब पाकिस्तान का अगला स्क्वाड अनाउंस होगा ना, सारे के सारे वही लड़के आपको नजर आएंगे जो वर्ल्ड कप खेलते हैं, लेकिन इंडिया की तारीफ इसलिए बनती है कि ये यंग लड़कों को चांस देते हैं, डरते नहीं है कि हमारी टीम कहीं छोटी टीम से हार ना जाए। ये जिम्बाब्वे जाकर जो टीम इंडिया का झंडा लहराएगी वो टीम हम आपको बता सकते हैं, क्योंकि ये टीम कोई साधारण टीम नहीं है, ये भविष्य की टीम इंडिया है, वो टीम इंडिया जो आगे कई सालों तक खेलने वाली है, वो टीम इंडिया जिसमें कई दिग्गजों के रिप्लेसमेंट हैं, वो टीम इंडिया जो आगे आने वाले समय में भारत और 140 करोड़ भारतीयों के सपनों को पूरा करने वाली है, वो टीम इंडिया जिसमें IPL से कई सारे चेहरों को जगा दी गई है, वो टीम इंडिया जिसमें कहीं पर खुशी नजर आ रही है कहीं पर गम नजर आ रहा है। आपको बता दें कि IPL में कई ऐसे खिलाड़ी थे जिन्हें हम और आप T20 वर्ल्ड कप में लाने की बात कह रहे थे, हम और आप ये कह रहे थे कि शायद उन्हें मौका मिल जाएगा, वो खेलेंगे, उनका नंबर आएगा, कुछ को मिला कुछ को नहीं मिला, लेकिन जिन्हें मिला या जो नहीं मिला वो हम आपको बता देते हैं। सबसे पहला नाम है अभिषेक शर्मा का, नीतीश कुमार रेड्डी का, तुषार देशपांडे का, इनकॉग्निटो मोड वाले हैं रियान पराग का, ये कुछ नाम हैं जिनके बारे में हम आपको बताने वाले हैं, क्योंकि जो टीम अनाउंस हुई है उसमें शुभमन गिल को भारतीय टीम का कप्तान बनाया गया। अच्छा यार, वो अफगानिस्तान की जीत जीत में और इंडिया की जीत जीत में सेमीफाइनल वगैरह की खुशी, सब चीज़ों की खुशी इतनी थी कि हम भूल ही गए कि यहाँ पर हमारी एक और सीरीज होने वाली है जो कि इस वर्ल्ड कप के फौरन बाद शुरू हो जाएगी, तो ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी, मैचेस हिंदुस्तान के बहुत सारे हैं, और हिंदुस्तान का जो स्क्वाड अनाउंस हुआ है इसके बारे में बात करने लगे हैं कि जो स्क्वाड हिंदुस्तान का, देखो इसमें बहुत सारे नाम नहीं है, ऐसे ऐसे नाम नहीं है जिसके बारे में हैरान हूँ कि ये हिंदुस्तान ने अपनी कौन सी टीम भेजी है भाई, मतलब पाकिस्तान होता तो यहाँ पर बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान और शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रूफ, नसीम शाह, अपनी पूरी A+ कैटेगरी की टीम भेजे, मगर हिंदुस्तान ने जो टीम भेजी है भाई सैल्यूट है आपको कि आप रिस्क भी ले रहे हो और ऐसी टीम भेज रहे हो जिम्बाब्वे के खिलाफ जो कि मैं बोलूंगा हैरानी की बात है। मैं आप लोग देखें जो स्क्वाड अनाउंस किया, बड़ा ही मुझे लगता है डडली ये एक उन्होंने स्क्वाड अनाउंस कर दिया, मुझे तो लगता है कि अनबीटेबल ही हरा के आएंगे, 5-0 मैच होगा। आप देखें इधर शुभम गिल इसके अंदर है, और ओवरऑल बात कीजिए अभिषेक शर्मा, रिंकू सिंह यार, और रिंकू सिंह अंदर है, और ये वो खिलाड़ी है जिनके अंदर स्पार्क है, अभी यंग जनरेशन, और यंग जनरेशन को जिनने सारी किसी भी सीनियर खिलाड़ी को हमने नहीं देखा स्क्वाड के, तो मुझे लगता है इंडिया पहले ही जीत चुका हुआ। कहने को आप लोग कह रहे होंगे कि शायद उनकी ये बी टीम है सी टीम है, लेकिन इंडिया की जो बेंच स्ट्रेंथ है ना वो उन्होंने इस तरीके से डेवलप की हुई है कि वो किसी भी टाइम पे किसी भी जगह पे जाके इवन सिनर कंट्रीज में भी चले जाएं तो वो कंपीट करेंगे वहां पे, क्योंकि शुभमन गिल है, ये सब वो प्लेयर्स हैं जो कि किसी भी टाइम पे रिप्लेस कर देंगे, रोहित शर्मा को कर देंगे, जयसवाल है किसी भी टाइम विराट कोहली को रिप्लेस कर देंगे, क्योंकि वो लोग अब अपने करियर के लास्ट स्टेजेस पे हैं, और ये प्लेयर उनकी बेंच स्ट्रेंथ ऐसी है कि जो कि किसी भी टाइम पे किसी भी टीम को जो है ना डिस्ट्रॉय करने की इनकी अहलियत रखती है। टीम ए की बात करें, बी की बात करें, सी की बात करें, कोई किसी से कम नहीं है, सारे हर फॉर्मेट के लिए डेंजरस है। इंडिया में आपने देखा नहीं, जब विराट कोहली ने रिटायरमेंट मांगी थी तो उसने क्या कहा था कि नहीं यूथ का, बिल्कुल ऐसी इस वक्त जो टाइम है वो नहीं यूथ का, अब पता नहीं कितने कोहली किंग
उस टीम में से निकलेंगे, कितने बुमराह उसमें से निकलेंगे ये तो किसी को नहीं पता। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। इंडिया ने अपना T20 जिम्बाब्वे के साथ जो सीरीज रखी है उसका स्क्वाड अनाउंस कर दिया, जिसके कैप्टन जो है वो शुभमन गिल हैं और ऋतुराज खेल रहे हैं, जायसवाल खेल रहे हैं, उसके बाद रिंकू सिंह खेल रहे हैं, तुषार देशपांडे, रवि बिश्नोई, हलील अहमद, क्या कहेंगे इस टीम के बारे में भाई, बीट कर पाएगी? मैं तो बस यही कहूँगी बड़े मियाँ छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। और जो वो कहते हैं ना कि बड़े मेच्योर अच्छे प्लेयर्स जो हैं वो नहीं करते ना, वो छोटे करके दिखाते हैं। तो आपको एग्रेसिव मज़ेदार वो कहते हैं ना मसाले वाली क्रिकेट नज़र आने वाली है जिम्बाब्वे के खिलाफ, और कमाल के प्लेयर नज़र आएंगे। अब ये प्लेयर अच्छा खासा रेस्ट करके आने वाले हैं, और ये जब आएंगे मार्केट के अंदर आएंगे, मैदान के अंदर आएंगे, तो फिर छा जाएंगे। आप देखें कौन नहीं छाएगा, कौन नहीं छाएगा। अगर बैटिंग की बात की जाए, क्या शुभमन गिल नहीं छाएगा, या फिर जयसवाल नहीं छाएगा, क्या ऋतुराज गायकवाड़ नहीं छाएगा, या फिर क्या ऋतुराज गायकवाड़ नहीं छाएगा, या फिर अगर देखा जाए तो रिंकू सिंह नहीं छाएगा। ये सारे भाई मतलब वन बेटर देन अदर है, और बहुत कमाल का स्क्वाड जो है वो अनाउंस कर दिया गया है। जिम्बाब्वे की तो खैर नहीं है, इंडिया के तो भाई मतलब अंडर 19 वालों को भेज देते तो वो जिम्बाब्वे को हरा देते। जिम्बाब्वे का क्या मुकाबला वैसे, सीरियसली मतलब समझ नहीं क्यों रख लिया इंडिया ने सीरीज, मुकाबला बनता नहीं है वैसे। हाँ ये तो बात है आपकी, लेकिन ठीक है मैच की और सिनेरियोस को भी रखना, मतलब एक रस्म और रिवाज, उनकी भी तो प्रैक्टिस करानी है ना, जिम्बाब्वे वालों को भी तो खिलाना है, उनका भी दिल खुश करना है, उनका भी दिल खुश करना है। पांच मैचों की सीरीज है, क्या लगता है जिम्बाब्वे एक हाथ ले जाएगा मैच के लिए? बिल्कुल नहीं, व्हाइट वॉश, व्हाइट वॉश, व्हाइट वॉश। कितने परसेंट चांसेस इंडिया व्हाइट वॉश कर देगा? 100% चांसेस है। देखिए शुभमन गिल एक मैच्योर प्लेयर है, आपने उसकी गेम नहीं शायद देखी, वो डबल डबल सेंचुरीज वाला प्लेयर है, जयसवाल भी डबल डबल सेंचुरीज वाला, रिंकू सिंह जो है वो कमाल की उसमें हिटिंग पावर, ऋतुराज गायकवाड़ ऐसा प्लेयर जिसने फ्रंट से सीएसके को लीड किया हुआ है, अभिषेक शर्मा एक ऐसा प्लेयर जिसने मतलब एग्जैक्टली, और अगर बिश्नोई की, रवि बिश्नोई की बात की जाए तो बॉल के साथ उसका भी जवाब नहीं है, तो अनबिलीवेबल अनबीटेबल टीम जाने वाली। मुझे ये बता दे अगर ये टारगेट देगी इंडिया जिम्बाब्वे को, कितना टारगेट दे सकते हैं, अगर उनको आउट करेंगे कितने तक आउट कर सकते हैं? ओके सो टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये जैसे ओडीआई के अंदर साउथ अफ्रीका का, एशिया कप के अंदर श्रीलंका का हाल हुआ, और उसके बाद मतलब हम लोगों के इस ऑफ एंड ऑन इस तरह की चीज़ें देखने को मिली, सेम यही चीज़ हमें यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो मतलब 50, 60, 70, 80 इतना का टारगेट कर सकती है जिम्बाब्वे, वो भी खुल के। और ये कितने तक जो है वो टारगेट दे सकते हैं? दे सकते हैं, दे तो वो 200 दे देंगे दो आराम से, मतलब एविंग मतलब मजाक मजाक में। आपका फेवरेट प्लेयर इसमें से कौन सा होगा, अभिषेक, तुषार, अभिषेक या फिर रिंकू सिंह, जयसवाल, ऋतुराज? मैं बता देती हूँ वैसे तो मेरे सारे इंडियन प्लेयर्स जो है यंगस्टर वो सारे बड़े क्यूटू से हैं, बड़े क्या कहते हैं मेरे फेवरेट हैं, क्यूटी से सारे, बट शुभमन गिल क्रश है। यस, आपकी स्पॉट किसकी तरफ होगी? भाई कमाल की जो चौके छक्के भाई, बड़ा बेहतरीन प्लेयर है, क्लास प्लेयर है, और ऋतुराज को आप जानते हैं और फिर रिंकू सिंह को जानते हैं भाई, इतने वेल आपके पास जो है वो प्लेयर हैं, और वो नहीं मारेंगे तो ये कैसे हो सकता है भाई, इतनी धुआंधार बैटिंग करेंगे कि इनके परचे उड़ा देंगे, आपको समझ ही नहीं आएगी यार ये हुआ क्या हमारे साथ, ये जिम्बाब्वे के साथ, यानी कि टीम इंडिया की सी टीम भी जो है ना वो बुरे तरीके से, इतने बुरे तरीके से मारेगी कि उनको समझ नहीं आएगी। लेकिन ये उनके पास रिजर्व प्लेयर हैं, ये वो प्लेयर हैं जो T20 वर्ल्ड कप में कुछ प्लेयर और वो बाकी वो प्लेयर हैं जिन्होंने IPL से बूस्टअप किया है, तो यार इन तो नए लोगों को मौका मिलेगा आगे खेलने का, और शुभमन गिल की कप्तानी भी देखने को मिलेगी भाई। सर अगर देखें जिस तरीके से रोहित शर्मा रिटायर, विराट कोहली रिटायर, स्पेशली अगर बात करें रविंद्र जडेजा भी रिटायर हो गया, इन लड़कों में से आपको कौन से लड़के लग रहे हैं जो इन तीन प्लेयर्स की स्पेशली जाके जगह ले सकते हैं? अच्छा मैंने रिटायरमेंट देखे, रिटायरमेंट अनाउंस करने समझ लेके बहुत ही सैड मोमेंट था, खासकर क्रिकेट फैंस के लिए, चाहे वो कोई भी मुल्क हो, ठीक है। लेकिन जैसे उन्होंने रिटायरमेंट ली है, उन्होंने कहा जी रोहित शर्मा विराट कोहली ने कहा कि हम अब हम ये चाहते हैं कि हम अपने जो यंग जनरेशन है, यंग टैलेंट है, उनको भी मौका दें खेलने का, ठीक है। तो ये मेघा में छोटे बड़े, यानी कि उनको इतना अपना ट्रस्ट है अपने यंग टैलेंट के ऊपर कि उन्होंने कहा कि अब उनका उनकी बारी है। और जहां तक रही बात रोहित शर्मा के मुकाबले मुतरादिफ कौन खड़ा कर सकते हैं, आप मेरे मुताबिक अभिषेक शर्मा जो है वो बेस्ट ऑप्शन है, जो कि रोहित शर्मा की जगह पे खेल सकता है, क्योंकि रोहित शर्मा की जो मोड है खेलने का वो अटैकिंग मोड है, ठीक है। और अभिषेक शर्मा को देखा जाए वो भी अटैकिंग मोड में खेलता है, पावर प्ले के अंदर बीस्ट मोड है उस बंदे का, 12 पे 50, 13 पे 50, 15 पे 50, मेरे ख्याल में ये बेस्ट ऑप्शन है कि अभिषेक
अभिषेक शर्मा को रोहित शर्मा की जगह खिलाए, ऊपर से अभिषेक शर्मा ब्रदर, तो इतना फील भी नहीं होगा कि रोहित शर्मा नहीं खेला, चलो शर्मा तो खेल रहा ना, फील हमें वही आएगा कि रोहित शर्मा खेल रहा। सर अगर बॉलिंग की बात करें, ना मोहम्मद शमी, ना जसप्रीत बुमराह, ना मोहम्मद सिराज, ना हर्षदीप सिंह, बिल्कुल फ्रेश लड़के, खलील अहमद, मुकेश कुमार, तुषार देशपांडे, समझते हैं हर्षदीप इतना नगद खिला लिया ना ये, तो फिर फिर बुमराह और मेगा मैन की कमी महसूस नहीं होगी। ठीक है, नो डाउट अच्छे लेजेंड बोलर है, हम रिस्पेक्ट करते हैं, दिल से रिस्पेक्ट करते हैं, जैसे वो परफॉर्म कर रहा है। बुमराह वो बोल रहा है जिसके आगे जितना मर्जी बड़ा बैट्समैन ला खड़ा कर दो, वो चार ओवर में 20 से ज्यादा स्कोर खा जाए, आप मुझे आगे कहना, आप T20 वर्ल्ड कप की हिस्ट्री दे ले, इतनी फास्ट पिचेस में, इतनी फास्ट पिचेस में 20 से ज्यादा स्कोर नहीं खाया। ठीक है, बाकी जहां तक रही हर्षदीप राणा की बात, मेरे ख्याल में ये भी यंग टैलेंट है, इनको भी बुमराह वगैरह ने कोचिंग ही दी है, बुमराह सिराज ने, हर्षदीप सिंह ने कोचिंग दिया, तो ये भी कुछ ऐसे ही निकलेंगे। ऊपर से बड़ी बात है ये उनके, मेरे ख्याल टीम में शुभमन गिल को कैप्टन बनाया गया है और ये उनके लिहाज से एक बड़ा मौका है अपने आप को प्रूव करने का, अपनी टीम में जगह वापस पाने का और ये बताने का कि वो काफी कुछ टीम इंडिया को दे सकते हैं। वो खिलाड़ी जिन्हें पहली बार खेलने का मौका मिलेगा उसमें नाम है अभिषेक शर्मा का। वो अभिषेक शर्मा जिन्होंने ट्रेविस हेड के साथ मिलकर आफत मचा दी थी, तूफानी पारियां खेली थी और लोगों ने कहा था कि यार युवराज सिंह जैसा कोई खिलाड़ी आ गया है। रियान पराग का जिन्होंने मैच्योरिटी दिखाई थी और जबरदस्त परफॉर्मेंस राजस्थान रॉयल्स के लिए की थी, ठीक ठाक बॉलिंग कर लेते हैं, अच्छी बैटिंग कर लेते हैं, उनकी जगह यहां पर बनी है। इसके अलावा जो नाम है वो नाम है नीतीश कुमार रेड्डी का, आप इन्हें हार्दिक पांड्या के रिप्लेसमेंट के तौर पर भी कह सकते हैं और ये भी कहानी एक इंटरेस्टिंग हुई है। इसके बाद नाम है तुषार देश पांडे का, वो तुषार देश पांडे जो चलते हैं तो सीधे मैगराथ बन जाते हैं, नहीं तो कई बार अशोक डिंडा बन जाते हैं, लेकिन क्योंकि कंसिस्टेंट है, बीते 2-3 साल से लगातार कंसिस्टेंट हैं और ज़्यादातर मैचेस को अगर देखा जाए तो एक डिसेंट बॉलर है, उनको जगह मिली है। हाँ, कुछ शिकायतें भी हैं, कुछ ऐसे भी खिलाड़ी जिनकी जगह बन सकती थी जो नहीं बनी है, जैसे एक नाम है हर्षित राणा का। हर्षित राणा को लोग मानकर चल रहे थे कि शायद टीम इंडिया में उनकी जगह बन सकती है, लेकिन हर्षित को मौका नहीं मिला है, ये अपने आप में एक थोड़ा हैरान करने वाला है। एक नाम जो सबसे ज़्यादा मुझे हैरान कर रहा है टीम में ना दिखकर, वो नाम है तिलक वर्मा का। तिलक वर्मा शायद उनकी जगह बनती थी लेकिन तिलक को मौका नहीं मिला और ये भी हैरान करने वाला है। एक नाम और जो डिजर्विंग था, जिसकी शायद जगह बन सकती थी, वो नाम है वरुण चक्रवर्ती का। वरुण चक्रवर्ती ने शानदार गेंदबाजी की थी, केकेआर के लिए भी वो टॉप के बॉलर थे, नहीं मिला है मौका उन्हें और उन्होंने सोशल मीडिया पर इजहार भी किया है अपनी नाराजगी का। मयंक यादव का नाम था, हालांकि वो फिटनेस को लेकर था, शायद इस वजह से मौका ना मिला हो कि फिट ना रहे हो। रिंकू सिंह की वापसी हुई है और ये एक अच्छा संदेश है, रिंकू की जगह वर्ल्ड कप में बनती थी, नहीं खेल रहे, अनफॉर्चुनेट है, लेकिन उन्हें वापस लाया गया है। ऋतुराज गायकवाड़ को मौका दिया गया है, वॉशिंगटन सुंदर जिनकी तारीफ रोहित शर्मा कई बार कर चुके हैं उनको मौका मिला है, खलील अहमद को मौका मिला है, एक लंबे समय के बाद अच्छी गेंदबाजी की थी, दिल्ली के लिए खेल रहे, उसको भी टीम के अंदर रखा हुआ है। आवेश खान भी है, खलील अहमद भी है, मुकेश कुमार भी है और तुषार देश पांडे जिन्होंने CSK की तरफ से बॉलिंग की थी। इंडिया का ये स्क्वाड है दोबारा से आपको बता दे तो इसके अंदर 4 ओपनर्स हैं, गिल, जायसवाल, ऋतुराज, अभिषेक शर्मा। मिडल ऑर्डर के बल्लेबाजों की बात करें तो संजू सैमसन, रिंकू सिंह, रियान पराग, नीतीश रेड्डी, ध्रुव जॉरल जैसे बल्लेबाज है और ऑलराउंडर्स के अंदर इनके बाद वाशिंगटन सुंदर हो गए। इसी के साथ साथ बॉलर्स के अंदर रवि बिश्नोई है, खलील अहमद है, आवेश खान है, तुषार देश पांडे है, मुकेश कुमार है। तो ये है इंडिया का स्क्वाड किसके अगेंस्ट, जिम्बाब्वे के अगेंस्ट। यही अगर पाकिस्तान की सीरीज होती जिम्बाब्वे के अगेंस्ट तो हमारे हाथ पांव फूले होते, हम अपनी मेन टीम भेजते क्योंकि हमें डर होता, फियर ऑफ फेलियर होता है, कहीं खुदा ना खास्ता के हम जिम्बाब्वे से हार ना जाएं, बड़ी बदनामी होगी। लेकिन इंडिया की टीम को आप देख के कह सकते हैं कि भाई बहादुर लोग हैं, दलेर लोग हैं, डरते नहीं है, यंग लड़कों को भेजा है और ये यंग लड़के भी पेल सकते हैं जिम्बाब्वे को, इतनी ये जैसे कहते हैं ना ताकत रखते होते हैं। हमने देखा है, हमने अभिषेक शर्मा को देखा है, उसने क्या IPL के अंदर परफॉर्मेंस करके दिखाई है, रिंकू सिंह को हम जानते होते हैं। इसी के साथ अगर बात करें रियान पराग की परफॉर्मेंस हमने राजस्थान की तरफ से देखी हुई है, ध्रुव जॉरल जो है वो थोड़ा फीका है लेकिन वो भी हमें देखा हुआ है कि अच्छा प्लेयर है, संजू सैमसन एक अरसे से इंडियन टीम के साथ है, गिल को सब जानते हैं, जायसवाल की ओपनिंग से किसी को शक नहीं है, ऋतुराज की स्किल्स पे किसी को शक नहीं है, अभिषेक शर्मा को देख लिया हुआ है, आवेश खान को ऑलरेडी हम देख चुके हुए हैं, इसी के साथ खलील अहमद हो गए, तुषार देश पांडे को भी चांस मिला है। आप ये देखेंगे इस वक्त जो इंडियन टीम वर्ल्ड कप खेल रही है इसमें से एक भी बंदा जो इंडिया की प्लेइंग 11 वर्ल्ड कप खेल रही है इसमें से एक भी बंदा इस स्क्वाड के अंदर नहीं है। दिस इज कॉल्ड ब्रेवरी कि उन्होंने एक बंदे को नहीं रखा जो इस वर्ल्ड कप खेल रहे हैं, वो डरते नहीं है,
वो बहादुर है। बहादुर इसलिए है क्योंकि उनको पता है कि बच्चे हैं इनके अगेंस्ट, उसको कहते हैं ना हमारे ये लड़के भी छोड़ेंगे नहीं। अकॉर्डिंग टू स्टैट्स अगर देखा जाए, अकॉर्डिंग टू लेवल देखा जाए, ये इंडिया की एक सी टीम है जो इंडिया ने अनाउंस की है। बेशक गिल इंडियन टीम का पार्ट हो लेकिन वर्ल्ड कप की टीम का तो हिस्सा नहीं है ना, प्लेइंग 11 का तो हिस्सा नहीं है ना। बेशक जयसवाल इंडियन टीम का पार्ट हो लेकिन प्लेइंग 11 का तो हिस्सा नहीं है ना। तो उन्होंने छोटी टीम के अगेंस्ट अपनी छोटी टीम भेजी और ये छोटी टीम इतनी ताकत रखती कि जिम्बाब्वे को हरा सकती है। तो ये क्वालिटी होती है, ये होती है, मैं कहता हूँ ये क्वालिटी मैटर करती होती है कि आप डरे बटर उनकी अगर बात करोगे। सबसे पहले मैं आप लोग को बताऊं तो शुभमन गिल आपके कप्तान रहेंगे, इसका मतलब रोहित शर्मा नहीं होने वाले। शुभमन गिल आपके कप्तान रहेंगे, यशस्वी जायसवाल को रखा गया है, बहुत अच्छी बात है क्योंकि वर्ल्ड कप में बच्चे को एक मौका भी नहीं मिला यार, कसम से इंडिया वालों इतना तो तुम लोग नहीं करो हैं। माना कि आप लोग की बहुत अच्छी टीम है, सबको ठीक ठाक चल रहा है, लेकिन जायसवाल साहब को कम से कम यूएसए के खिलाफ या कनाडा के खिलाफ कोई एक मैच तो देते, कनाडा वाला तो चलो वॉश आउट हो गया। फिर अभिषेक शर्मा, अच्छा अभिषेक शर्मा वो है जिन्होंने सनराइज हैदराबाद की तरफ से मैं बोलूंगा दुनिया हिला के रख दी भाई बैटिंग लाइनअप की, ऐसी बैटिंग की, ऐसी बैटिंग की तूफानी, हर मैच में छह सात छक्के तो इसमें मारे ही मारे हैं। तो अभिषेक शर्मा को भी यहां पर इंक्लूड किया गया है। ऋतुराज गायकवाड़ भी होंगे और आपको कि ऋतुराज गायकवाड़ सेकंड हाईएस्ट रन स्कोरर थे इस आईपीएल के और मुझे लगता है कि उनको बिल्कुल सही के सेलेक्ट करके वो डिजर्व भी करते थे। तो नंबर चार हमारे जो टॉप हो गए वो है शुभमन गिल, यशस्वी जायसवाल, ऋतुराज गायकवाड़ और अभिषेक शर्मा। फिर हमारे मिडिल ऑर्डर में आते हैं रिंकू सिंह। अब रिंकू सिंह के बारे में बहुत सारे लोग कह रहे थे कि इसको वर्ल्ड कप में होना चाहिए था, लेकिन भाई इंडिया वाले इंसाफ करते हैं, अगर वर्ल्ड कप में चांस नहीं मिला तो नहीं मिला, लेकिन इसको रखा गया जिम्बाब्वे के खिलाफ। संजू सैमसन को रखा गया एज एन विकेट कीपर और ध्रुव जुरेल को, तो दो विकेट कीपर रहेंगे संजू सैमसन और ध्रुव जुरेल दोनों को रखा गया, मगर फर्स्ट प्रायोरिटी आपको पता है कि संजू भाई होने वाले हैं क्योंकि संजू भाई को वर्ल्ड कप में तो मौका मिल ही नहीं रहा है, तो भाई उसने बोला कि अपन साला जिम्बाब्वे के खिलाफ ही जाकर खोलेगा। फिर नितेश रेड्डी, अब नितेश रेड्डी की जगह पे यहाँ पर बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि यार केएल राहुल को रख सकते हैं, और मैं आप लोगों को बताता हूँ कौन कौन से खिलाड़ी डिजर्विंग है जो कि इसमें नहीं खेल रहे, बड़ी हैरानी की बात है। रियान पराग को रखा गया, तो अनन्या पांडे और सारा अली खान के बहुत ही फेवरेट, बहुत ही करीबी रियान पराग भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, और रियान पराग साहब की प्रेजेंस जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। एंड आई होप कि रियान भाई जो है वो माइंड नहीं करेंगे, मतलब थोड़ा क्रिकेट पर ध्यान देंगे, क्योंकि वो आजकल उनका जो ध्यान किसी और चीज़ में जा रहा है बड़ी खतरनाक चीज़ है। वॉशिंगटन सुंदर को रखा गया भाई, और वॉशिंगटन सुंदर से भी बड़ी जबरदस्त बैटिंग की ऑलराउंड परफॉर्मेंस दिखाई है, मैं ये नहीं बोलूंगा कि भाई बंदा खराब है, बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंस दिखाई है, मैं सेटिस्फाई हूँ रोशन सुंदर से। रवि बिश्नोई, यार रवि बिश्नोई को वैसे मैं हैरान हूँ कि वर्ल्ड कप में क्यों नहीं रखा, क्योंकि खुद सोचो कि जिस तरीके वर्ल्ड कप के मैचेस क्यों नहीं खेला, क्योंकि जिस तरीके के ये बॉलर हैं मिस्ट्री बॉलर हैं, और जब बॉल करते हैं अजीबोगरीब सी बॉल होती है, ऊपर से फील्डिंग भी इतनी खतरनाक है कि इनका पता नहीं चलता किस तरह कूद के क्या करके दिखाएंगे। और फिर यहाँ पर आवेश खान को भी रखा गया, आवेश खान राजस्थान रॉयल्स की तरफ से बहुत ही तूफानी गेंदबाजी की और ऐसी ज़बरदस्त, मतलब उखाड़ के रख दिया भाई, लिटरली उखाड़ के रख दिया, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की इन्होंने बॉलिंग कराई। खलील अहमद को भी यहाँ पर रखा गया, खलील अहमद ने भी ठीक ठाक बॉलिंग करवाई थी, और मुकेश कुमार को भी रखा गया। फिर यहाँ पर तुषार देशपांडे हैं, ये रहा इंडिया का स्क्वाड। मैं आप लोगों को जरा एक और बार जो है वो पढ़ के सुना देता हूँ। शुभमन गिल आपके कप्तान रहेंगे, फिर आपके यशस्वी जायसवाल, ऋतुराज गायकवाड़, अभिषेक शर्मा, रिंकू सिंह, संजू सैमसन, ध्रुव जुरेल, नितेश रेड्डी, रियान पराग, वॉशिंगटन सुंदर, रवि बिश्नोई, आवेश खान, खलील अहमद, मुकेश कुमार और तुषार देशपांडे। ये है इंडिया का स्क्वाड जो कि जिम्बाब्वे के स्क्वाड के लिए रखा गया, और इस तरीके से स्क्वाड अनाउंस करते हैं, इसको बोलते हैं जिम्बाब्वे की टीम के स्क्वाड अनाउंस। अगर यहाँ पर होती पाकिस्तान की टीम तो भाई बाबर को डालो, हैं रिजवान को डालो, इसको डालो, उसको डालो, क्योंकि भाई हम तो तरसते हैं, हमें तो चाहिए मौका चाहिए होता है कि हम किस तरीके से जिम्बाब्वे को मौका मिल जाए। जिम्बाब्वे का नाम ऐसे ही तो नहीं पड़ा है, अब यहाँ पर देख लेना कि भाई यहाँ पर कैसे ये हिंदुस्तान के लड़के जिम्बाब्वे की टीम को पेलते हैं। और पाकिस्तान का जो हाल है, मुझे पाकिस्तान से डर लग रहा है कि अगर पाकिस्तान इनके खिलाफ खेलता ना, इस जिम्बाब्वे की टीम के खिलाफ, तो वो भी हार जाता, लेकिन जो भी हो बड़ी जबरदस्त टीम है। अच्छा इसके अंदर जो कि दो तीन नाम मुझे बड़े खल रहे हैं कि यहाँ पर होने चाहिए थे, सबसे पहले गब्बर, मुझे लग रहा है कि यहाँ पर होना बनता था भाई, किसी भी हाल में शिखर धवन का होना बनता था, वो यहाँ पर इंक्लूडेड नहीं है। नंबर टू केएल राहुल, केएल राहुल भी ने भी बहुत ज़बरदस्त इनिंग खेली है लखनऊ की तरफ से, उन्होंने बहुत इंटरेस्टिंग बारी खेली, उनका भी नाम होना बनता था। भुवनेश्वर कुमार का नाम होना बनता था, भुवनेश्वर कुमार ने भी आपको पता है कि भाई बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग करवाई। फिर यहाँ पर आपके अपना शशांक सिंह का नाम होना बनता था, और मुझे लगता है कि शशांक सिंह का नाम तो यार ज़रूर होना चाहिए था। और उसके अलावा आपने एक और थे यार, वो शर्मा साहब को, अब एक और यार पंजाब किंग्स के अभिषेक शर्मा तो हैं, उसके अलावा यार क्या नाम था लौंडे का बड़ा ज़बरदस्त, आशुतोष शर्मा का होना ज़रूरी था, वो भी नहीं खेल रहे उसका, क्योंकि वो बड़ा इंटरेस्टिंग प्लेयर लगा है मुझे, और फाइट कर दिया, मुझे तो लगता है कि अनबीटेबल ही हरा के आएंगे, 5-0 मैच होगा। आप देखें इधर शुभम गिल इसके अंदर है, और ओवरऑल बात कीजिए अभिषेक शर्मा, रिंकू सिंह यार, और रिंकू सिंह अंदर है, और ये वो खिलाड़ी हैं
जिनके अंदर स्पार्क है अभी, ये यंग जनरेशन और यंग जनरेशन को जिनने सारी किसी भी सीनियर खिलाड़ी को हमने नहीं देखा स्कोर के अंदर, तो मुझे लगता है इंडिया पहले ही जीत चुका हुआ। जिम्बाब्वे को चीज पता है कि हम इनसे कम्पीट नहीं कर सकते। और अगर हम शुभम गिल की बात करें भाईजान, वो कैप्टनसी का मौका उन्हें दिया, टीम इंडिया यही अपने जूनियर खिलाड़ियों की भी ट्रेनिंग करती है, उन्हें कैप्टनसी दे के पूरी उनको इन्वायरमेंट सिखाती है क्रिकेट का, इसी के से कहते हैं। रिंकू सिंह एक वो मुझे करेक्टर इसके अंदर लगता है जो कि हाईएस्ट जो है स्कोर मारेगा इसके अंदर। रिंकू सिंह के अंदर बड़ा स्पार्क है और ऋतुराज के अंदर बड़ा स्पार्क है और अभिषेक शर्मा, यार ये सारे वो हैं जिन्होंने पहले ही अपने नाम बनाए हैं, क्रिएट की हुई है। तो मुझे लगता है जब ये जिम्बाब्वे के खिलाफ जाएंगे तो जिम्बाब्वे का हाँ काफी जाएंगे। बॉलिंग लाइन में रवि बिश्नोई खेल रहे हैं, तुषार देशपांडे खेल रहे हैं, खलील अहमद खेल रहे हैं, सारे आईपीएल के अंदर जबरदस्त जो है परफॉर्मर करके बैठे हुए हैं। क्या लगता है रवि बिश्नोई और खलील अहमद ये दो जो बंदे हैं ना, ये बंदों की बॉलिंग जो है वो आईपीएल के अंदर बड़ी तगड़ी रही है और इन्होंने बड़े अच्छे तरीके से परफॉर्म करके दिखाया, अपनी अपनी जो इनकी लीग थी अपनी टीम थी उनमें बड़े अच्छे तरीके से परफॉर्म करके दिखाया। इन्हें मौका दिया जा रहा है, टीम इंडिया अपने टैलेंट को भाईजान आगे लेके आता है और इस तरीके से इंटरनेशनल लीग के अंदर जब खिलाता है तो फिर ही उनका कॉन्फिडेंस जो है बिल्डअप होता है। बिल्कुल ऐसे। सर मुझे ये बताएं कि कौन सा ऐसा बैट्समैन है या बॉलर है जो कि जिम्बाब्वे के लिए डेडली साबित हो सकता है या फिर डिस्ट्रक्टिव साबित हो सकता है। देखिए मुझे लगता है खलील अहमद जो है वो एक ऐसा इसके अंदर बॉलर मुझे लगता है कि वो उभरता हुआ एक सितारा है और वो बंदे ने अच्छा परफॉर्म किया आईपीएल के अंदर भी और वो अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। ओवरऑल टीम इंडिया की बात में कौन सा लगता है अभिषेक शर्मा? आपको पता है कि भाई सनराइजर्स की तरफ से उसने भाई क्या नाम है पावर प्ले के अंदर 125 स्कोर कर। देखिए जाहिर बात है अभिषेक शर्मा बड़ा अच्छा टैलेंट है, रिंकू सिंह बड़ा अच्छा टैलेंट है और इन लोगों से बच के जाना मुझे लगता है जिम्बाब्वे का तो मुकाबला बनता नहीं है। शुभम गिल खुद बताते खुद जो कैप्टन है वो बड़े अच्छे हैं, ये जो ट्राई का है ना शुभम गिल का और ये रिंकू सिंह का और अभिषेक शर्मा का, इससे बड़ा खतरा है जिम्बाब्वे। और दुबे और चहल जो हैं उनको बाहर का रास्ता दिखाया गया, क्यों पता नहीं, मतलब चहल के साथ तो क्या हो रहा है कुछ समझ ही नहीं आ रहा, ना घर के हैं ना घाट के हैं, ये भी अपने आप में एक इंटरेस्टिंग कहानी है। आवेश और खलील अहमद को जगह जो है वो भी दी गई है। फिलहाल ये T20 सीरीज जो है इसके बारे में आपको बता दें कि इंडियन टीम की जो सीरीज है इसमें ओवरऑल जो कहानी है वो ये है कि शुभमन गिल कैप्टन है, जयसवाल, ऋतुराज, अभिषेक शर्मा, ये चार ओपनर यहाँ पर दिए गए हैं। रिंकू सिंह को जगह दी गई है, संजू सैमसन, ध्रुव जुरेल जो है यहाँ पर पा रहे हैं, संजू के लिए अच्छा है कि उन्हें मौका दिया गया है, वर्ल्ड कप में उन्हें बाहर बिठाया गया था अभी तक बैठे हैं मौका नहीं मिला है, नीतीश रेड्डी को मौका मिला है, रियान पराग को मौका मिला है, वॉशिंगटन सुंदर, रवि बिश्नोई को मौका मिला है, ये दो कहानी आ रही है, एक बॉलिंग ऑलराउंडर है एक प्रॉपर स्पिनर है। इसके अलावा आवेश खान को मौका मिला है, खलील अहमद को मौका मिला है, मुकेश कुमार को मौका मिला है, तुषार देशपांडे को मौका मिला है, कुल मिलाकर ये टीम आई है। हालांकि शुभमन को बीसीसीआई ने शायद लॉन्ग रन में सोचकर बनाया होगा लेकिन इसको लेकर सवाल भी हो रहे हैं कि क्या शुभमन गिल को इसके चलते उनकी प्लेस पक्की कर दी गई है, क्योंकि अगर शुभमन गिल को कैप्टन ना बनाया गया होता तो शायद उनकी प्लेइंग 11 में जगह नहीं बनती थी। मतलब आप किसे खिलाएंगे अगर शुभमन कैप्टन ना होते तो क्या वो आपकी प्लेइंग 11 में होते? शायद नहीं, शायद मैं जयसवाल और अभिषेक शर्मा के साथ जाता या राइट हैंड होता तो ऋतुराज गायकवाड़ के साथ जाता कंपेरिजन टू शुभमन गिल इन T20 क्रिकेट। वनडे क्रिकेट में शुभमन इज माय फर्स्ट चॉइस। प्लेयर्स के देखने नाम, सबसे पहले शशांक सिंह, आशुतोष, वेंकटेश अय्यर, इसी के साथ साथ अगर मैं बात करूं तिलक वर्मा, ईशन किशन, नतरंजन, संदीप शर्मा, हर्षित राणा, मयंक यादव, इसी के साथ साथ और भी बड़े सारे प्लेयर हैं जो अभी टीम में नई जगह बना पाए, वरुण चक्रवर्ती हो गए, एंड अगर मैं बात करूं आरसीबी के, आरसीबी में तो कितना कोई खास प्लेयर ने परफॉर्मेंस करके भी नहीं दिखाई थी, वो तो टीम ने जैसा कहते हैं डिसअपॉइंट किया था, लेकिन ये वो प्लेयर हैं जिनको टीम में इनमें से कोई एक दो और लड़के आ सकते थे कुछ प्लेयर्स की जगह, लेकिन फिर भी ओवरऑल अच्छा स्कोर है। अब मैं इस स्कोर की अगर मैं बात करूं तो इसकी जो मुझे एक वीकनेस नजर आ रही मैंने आपको बता दी बॉलिंग की, हाँ साई सुदर्शन, श्रेयस अय्यर को भी नहीं रखा, आप देखो सर श्रेयस अय्यर जो कि अभी खिला सकते थे उसको, श्रेयस अय्यर को बड़ा उसने चैंपियन बनाया हुआ उसको रख सकते, रजत पतिदार को रख सकते, तो मतलब कि प्लेयर्स तो बहुत थे लेकिन नहीं रखा। एक और चीज जो मैं आपको बताना चाह रहा था मेरे माइंड से निकल गई, तुसी बुला दी थी मैनू, मैं क्या बात करने जा रहा था, देखिए ये जो टीम है ना इंडिया की, इसकी एक वीकनेस मैंने आपको बता दी फास्ट बॉलिंग थोड़ी सी वीक है, दूसरी वीकनेस क्या है, दूसरी वीकनेस ये है कि आपने इस टीम के अंदर चार ओपनर्स रख दिए हैं, जयसवाल, गिल, अभिषेक शर्मा, ऋतुराज गायकवाड़, आप खिलाएंगे किसको? आप चाहते तो आप जिसको कहते हैं ना गिल, जयसवाल और ऋतुराज तीन रखते तो समझ आती, एक बैठता दो खेलते फिर चेक कर लिया जाता, आपने चार ओपनर्स रख दिए हैं, इन चार की जगह आप बीच में एक बीच में मिडल ऑर्डर का बल्लेबाज लेकर आ सकते थे,
वो आप काम कर सकते, लेकिन वो नहीं किया गया। आप शशांक सिंह को ला सकते थे, आप वेंकटेश अय्यर को लेकर आ सकते थे। तो ये जो सच कहते ना चीजें बुरी। हाँ, अभिषेक शर्मा ने बड़ी इंप्रेसिव परफॉर्मेंस दिखाई है, अभिषेक शर्मा को सही किया रखा है, लेकिन फिर भी टीम जिसको कहते हैं ना बस बना दी आपने, लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ एज कम्पेयर टू जिम्बाब्वे स्ट्रॉन्ग टीम बनाई है इंडिया ने। इंडिया की टीम जो है ना ये स्ट्रॉन्ग टीम है, ये मुकाबला करने की क्षमता रखती है, कमजोर नहीं है। बॉलिंग में एक आधा चेंज हो सकता था, बल्लेबाजी के अंदर एक आधा चेंज हो सकता था। संजू सैमसन को बड़े चांसेस मिल गए, मैं होता